नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह। आपका स्वागत है गुड रिटर्न्स पर। लोकसभा चुनाव, बजट और अब अमेरिकी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, इन बड़े इवेंट्स के बाद बुलियन मार्केट में तेज एक्शन देखने को मिल रहा है। आज भी, मतलब जब हम अगस्त की पहली तारीख की बात कर रहे हैं, तब सोने चांदी में जोरदार तेजी है। आगे फेस्टिव सीजन भी है, ऐसे में सोने को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? ज्वेलरी खरीदारों को सही समय का इंतजार करना चाहिए या फिर यही सही समय है निवेश का? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। नए महीने की पहली तारीख है सर, सोने में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर भी 70,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है सोना, और ग्लोबल मार्केट में भी $2,500 जो प्रति ऑन्स के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या ट्रिगर है सर आज के लिए, या अभी जो तेजी देखने को मिल रही है, क्या सितंबर में जो पॉलिसी में जो दरें घटने को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं, वही एक ट्रिगर है या कोई और भी ट्रिगर है सर? नमस्कार दिग्विजय जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और अभी यहाँ पे जो सोने में तेजी देखने को मिल रही है, उसके पीछे थोड़े से बैकग्राउंड की भी बात करेंगे। यहाँ पे हमने जुलाई के महीने में भी इंटरनेशनल मार्केट में सोने को लाइफ टाइम हाईज लगाते हुए देखा था, और $2,488 तक सोने की भाव इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचते हुए नजर आए थे। उसके बाद हमने देखा कि भारतीय बाजारों में जब बजट यहाँ पे अनाउंसमेंट हुए, तो उसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें अप्रत्याशित रूप से 9% का कट जो है ड्यूटी में किया गया, जिसके चलते भारतीय बाजारों में जो कीमतें 75,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, वो गिरते हुए 67,000 के आसपास आती हुई नजर आई। जो बजट में अनाउंसमेंट आए ड्यूटी कट के, उसके साथ ही हमने देखा कि जो चाइना के इकोनॉमिक डेटा थे वो भी उम्मीद से कमजोर थे, और चाइनीज सेंट्रल बैंक ने लगातार तीसरे महीने सोने में जो बाइंग है वहां पे पॉज बना के रखा। तो ये बड़े ट्रिगर के चलते हमने सोने में एक पैनिक जो है इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय बाजारों में आते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पे जो नए मंथ की जो शुरुआत है वहाँ पे फंडामेंटल में फिर एक बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कल बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी आई थी, उसमें बैंक ऑफ जापान ने जो ब्याज दरें हैं वहाँ पे 15 बेसिस पॉइंट का दरों में बढ़ोतरी की, और जो दरें हैं वो बढ़कर 0.25% हो गई। उसके बाद हमने देखा कि जो जेपनीज येन है उसमें अच्छी बढ़त आते हुए देखी, और डॉलर इंडेक्स कमजोर पड़ता हुआ दिखा। साथ ही यूएस के जो 10 साल के जो बॉन्ड की दरें हैं वो भी कमजोर होती हुई नजर आई। उसके साथ ही कल यूएस फेड की भी पॉलिसी मीटिंग थी, और वहां पे यूएस फेड ने पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फेड चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आए कि जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं उनसे यूएस फेड जो है वो कंफर्टेबल होता हुआ नजर आया है, और जो अगली पॉलिसी मीटिंग जो कि सितंबर में होना है, तो वहां पे यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में शायद जो है कटौती देखने को मिलेगी। उसके चलते मार्केट ने यहाँ पे जो सेंटिमेंट है उसको पॉजिटिव लिया, और सोने की कीमतें आज इंटरनेशनल मार्केट में $2,500 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी हम कीमतों को फिर एक बार 70,000 के स्तर को पार करते हुए देख रहे हैं। एक और बड़ा जो कारण यहाँ पे कीमतों में सपोर्ट के पीछे बना वो ये है कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे तनाव जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं, और ईरान में जो हमास के चीफ की कल टारगेट किलिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पे ईरान की तरफ से रिटेलिएट करने की बात कही जा रही है। तो बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी यहाँ पे सोने में जो सेफ हेवन अपील है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आज हम यहाँ पे अच्छी बढ़त सोने की कीमतों में देख रहे हैं। ये जो ग्लोबल फैक्टर है, ये तो अभी इसका असर देखने को मिल रहा है। जो बजट में जो ड्यूटी कट की बात हुई है, और वो हमें उसका असर अगले कुछ दिनों तक देखने को मिला, ये कितना अभी क्या मार्केट इनकैश कर चुका है या इसका भी लॉन्ग टर्म में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा? नहीं, यहाँ पे जो ड्यूटी कट हुआ है उसको जो है प्राइजेस फैक्टर इन करते हुए नजर आए हैं, और उसी के चलते हमने 75,000 के आसपास की जो कीमतें हैं उनको नीचे में 67,000 तक जाते हुए देखा। तो जो ड्यूटी कट का असर है वो मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। दूसरी चीज, यहाँ पे आने वाले समय में इसके क्या कैस्केडिंग इफेक्ट रहेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो ड्यूटी कट हुआ है उसका आने वाले समय में कीमतों में भारतीय बाजारों में पॉजिटिव इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। उसका कारण यह है कि जो निवेशक लंबे समय से सोने से दूरी बना के रखे हुए थे, खरीद नहीं पा रहे थे ऊंची कीमतों के चलते, तो अब उनको एक निवेश का मौका मिला है। दूसरा, आगे यहाँ पे रक्षाबंधन से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होगी, उसके बाद मैरिज सीजन भी रहेगा, तो डिमांड जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। और जो अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है दूसरी तिमाही की, उसमें भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने साफ तौर पर बताया है कि भारत में जो सोने की डिमांड है वो बढ़ी है, और जिस तरह से ये ड्यूटी कट हुआ है तो निश्चित रूप से जो अगली जो तिमाही है, या अगर हम अगले अगर 6 महीने की बात करें, तो भारतीय बाजारों में
जो डिमांड है सोने की वो बढ़ती हुई नजर आएगी दिग्विजय जी। ठीक है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। जो फेस्टिव सीजन अभी नजदीक आ रहा है और उस समय शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा और एक बढ़िया अच्छा खासा डिमांड रहेगा, चाहे ज्वेलरी का हो चाहे जैसे भी। तो अब उस पर क्या आउटलुक देख रहे हैं, किस पॉइंट पे देख रहे हैं, कितना अभी जो फेस्टिव सीजन की अगर से बात करें तो उस वहां तक अगर सोने की हम चाल को देखें कितना बढ़ सकता है सोना अभी मौजूदा लेवल से। सोने में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो दिवाली जो हमारा बड़ा त्यौहार रहता है वहां तक की अगर हम बात करें, जो कि नवंबर में दिवाली रहेगी इस बार, तो वहां तक अगर हम बात करें अगले 3 महीने की, तो सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 2600 से $2650, मतलब वर्तमान लेवल से लगभग 5 से 6% की बढ़त जो इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पे कीमतें फिर एक बार 73,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है दिवाली तक। तो एक अच्छी बढ़त की संभावना अब यहाँ नजर आती है और लगभग 3,000 रुपये तक की बढ़त भारतीय बाजारों में दिवाली तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, साल के शुरुआत में ही देखा था हमने जोरदार तेजी देखने को मिली थी गोल्ड में और 75,000 के आसपास करीब भाव पहुंचे थे। अब तब वो एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउसेस भी इस पे बुलिश थे और साल के अंत तक 1 लाख रुपए तक का टारगेट दे रहे थे। तो अभी क्या ये 1 लाख तक जाने की चांसेस हैं या अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसमें कोई रुख में बदलाव होगा? नहीं, सोने के लिए 1 लाख रुपए की बात हमने नहीं की वर्ष के अंत तक, हमने 80,000 रुपए तक के लक्ष्य दिए थे और बाकी काफी सारे जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने 80,000 तक के जो लक्ष्य 24 के अंत तक के लिए दिए थे, और 1 लाख तक की जो बात है वो 2026-27 के लिए कही गई थी। तो अभी भी इस रुख में कोई बदलाव नहीं है। अगर आज के ही हम भाव देखें इंटरनेशनल मार्केट में, अगर ड्यूटी कट नहीं हुआ होता तो आज हम शायद 77,000 के आसपास होते। तो यहाँ पे इस वर्ष के आखिर तक, क्योंकि ड्यूटी कट हुआ है बड़े रूप में, तो वर्ष के आखिर तक हमारा मानना है कि 76,000 तक के स्तर भारतीय बाजारों में फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर अगले 2 से 3 सालों की बात करें, 2027 तक की, तो निश्चित रूप से यहाँ पे 1 लाख तक के भाव जो है सोने में देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे $3,500 तक की जो चर्चाएं की जा रही है, और आगे हम देख रहे हैं कि जो रेट कट के साइकिल है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और US फेड भी यहाँ पे शामिल होता हुआ नजर आएगा अगले 1-2 महीने में। तो निश्चित रूप से जो ये बुलिश मोमेंटम है सोने का, ये आगे 2 से 3 वर्षों तक जारी रहेगा, ऐसी हमारी जो है हमारा ठीक मानना है, है, तो और जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है वो भी इसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। गोल्ड के अगर बुलिश जो बुल रन है वो जारी रहता है तो अगर निवेशक के पास ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ETF, ये जो जैसे ऑप्शन है सोने में निवेश करने के, तो कौन सा ये विकल्प ज्यादा बेहतर होगा निवेशकों के लिए, जहां निवेश करना चाहिए? सारे विकल्प बेहतर है, ये डिपेंड करता है कि जो निवेशक है उसका होराइजन कितना है और उसका रिस्क अपेटाइट कितना है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं और जिनको सोना फिजिकल नहीं चाहिए, ज्वेलरी नहीं चाहिए, केवल निवेश ही करना है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि वहां पे आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, और 8 साल के बाद जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको कोई कैपिटल गेंस टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो जो निश्चित रूप से जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेहतर है। जो छोटे निवेशक हैं जिनको निवेश करना है और फिजिकल गोल्ड भी नहीं लेना है, तो उनके लिए ETF एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि वहां पे आप बहुत ही छोटी मात्रा में लगभग 60 रुपए के निवेश से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे निवेशक जो SIP के रूप में छोटे छोटे निवेश को यहाँ पे करना चाहते हैं तो उनके लिए ETF अच्छा है, और जो डिलीवरी के रूप में करना चाहते हैं तो यहाँ पे, और ज्वेलरी नहीं लेना है और डिलीवरी लेना है, तो उनके लिए जो MCX के जो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे वो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके और MCX के डीमेट में डिलीवरी ले सकते हैं, ताकि उनको जब अच्छे रिटर्न्स मिले तो उस डिलीवरी को वो वापिस वहाँ पे डिलीवर कर सकें। तो ये डिपेंड करता है कि निवेशक का होराइजन कितना है और उनका रिस्क अपेटाइट कैसा है। बाकी निवेश के जो सारे अवेलेबल विकल्प हैं वो बेहतर विकल्प है। सोने के अलावा चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है, चांदी पर क्या आउटलुक है सर, कहाँ तक जाएगा अभी ये फेस्टिव सीजन या इस साल के अंत तक, क्या आपका आउटलुक है चांदी को लेकर? चांदी के बारे में दिग्विजय जी हमने बोला था कि अब की बार 1 लाख के पार, और हमने 1 लाख के बिल्कुल नजदीक चांदी को जाते हुए देखा था भारतीय बिल्कुल बाजारों में। 98,000 के स्तर तक चांदी पहुंचती हुई नजर आई थी, जो अभी जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर का, उसकी अगर मैं बात करूं तो। और उसके बाद हमने अनएक्सपेक्टेड जो ड्यूटी कट देखा, उसके चलते हमने देखा कि कीमतें 80,000 के स्तर तक लगभग फिसलती हुई नजर आई भारतीय बाजारों में। दूसरा, यहाँ पे जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चाइना एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल का भी काम करती है, और चाइना में लगातार जो इकोनॉमिक आंकड़े वो खराब आ रहे हैं,
दूसरी तिमाही की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो घटकर 4.7% रह गई, और वहां से हमने एक स्टिमुलस की उम्मीद लगाए हुए थे पूरे, अगर मार्केट की बात करें तो वैसा कोई स्टिमुलस चाइना की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आया। तो उसी के चलते हमने देखा कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में दबाव था, तो उसका भी असर चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया, और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $27 के स्तर के भी नीचे जो है फिसलती हुई नजर आई पिछले महीने। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ाई, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली, यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं जताई गई, और जो हम देखें तो ईसीबी और बैंक ऑफ कनाडा ऑलरेडी ब्याज दरों में कटौती कर चुके हैं, तो आने वाले समय में इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी जो है निचले स्तरों से रिकवरी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी, और उसका सपोर्ट चांदी में भी आता हुआ नजर आएगा। तो हमारा मानना है कि जो फेस्टिव सीजन है दिवाली तक की अगर बात करें तो $30.40 जो है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 88,000 तक के जो स्तर है वो अगले 2 से 3 महीने में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर वर्ष के आखिर तक की मैं बात करूं तो यहाँ पे 31 से 32 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में हम 92,000 तक के स्तर जो है इस वर्ष के आखिर तक फिर एक बार आते हुए देखेंगे। तो यहाँ भी लगभग 10% तक की बढ़त की संभावना है इस वर्ष के आखिर तक चांदी की कीमतों में बनती है। चांदी और सोने दोनों के लिए बुल रन के साफ रास्ते दिख रहे हैं, तो यानी मौजूदा समय पे निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए, चाहे जो भी ऑप्शन है और निवेश के उन सब में करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू फॉर टाइम।